59 दिनों के सावन की पहली सोमवारी कोयलांचल के शिव मंदिर शिवालयों में भक्तों की उमड़ी है भीड़। भोले बाबा को चढ़ाया जा रहा है जल और बेलपत्र। भोले बाबा को पुष्प बेलपत्र आंख धतूरे से सजाकर की गई है महा आरती। झरिया, 59 दिनों के सावन का आज पहली सोमवारी है। सुबह से ही कोयलांचल के शिवालयों में मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ने लगा है। सावन महीने के पहले सोमवार को कोयलांचल के शिवालयों में हर हर महादेव, जय ओम शिवकारा की गूंजे सुनाई दी है। अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की मंदिरों में खासी भीड़ रही है। वहीं अलगडीहा बूढ़ा बाबा शिव मंदिर के साथ अन्य मंदिरों में भी दिन भर भक्तों का तांता लग रहा है। गौरतलब है कि सावन माह के पहले सोमवार शिवलिंगों को दूध जल से अभिषेक किया गया है। शिवलिंगों को पुष्प बेलपत्र आंख धतूरे से सजाकर महाआरती की गई है। इस दौरान मंदिरों में घंटी, घड़ियाल, शंख, झालर के बीच भोलेनाथ के उद्घोष से माहौल भक्तिमय बना रहा। शहर के माँ मंगला चंडी मंदिर, माँ रक्षा काली मंदिर, चिल्ड्रन पार्क मंदिर, हनुमान मंदिर, पंचदेव मंदिर आदि अन्य शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही। कई लोगों ने पंडितों की मौजूदगी में शिव महाभिषेक किया। महामृत्युंजय के जाप शुरू हुए तथा रुद्राभिषेक किया गया। वहीं सावन मास महीने में प्रत्येक शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का दौर चलेगा। वहीं सावन के पहले सोमवार को शहर के लगडीहा बूढ़ा मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। मंदिर में भोले के दर्शन करने के लिए सुबह 5 बजे से ही लंबी लंबी कतारें दोपहर 3 बजे तक लगी रही। वहीं मंदिर परिसर में कोई अप्रिय घटना घटित न हो, इसके लिए पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा सावन महीने के पहले सोमवार को कई लोगों ने घर पर ही भगवान शिव की पूजा अर्चना की। सावन महीने में भगवान शिव की पूजा से मनवांछित फल प्राप्त होता है। पंडित संदीप शास्त्री। पुजारी संदीप शास्त्री ने कहा कि मलमास को लेकर भक्तों में कंफ्यूजन है, जिसको लेकर शिव मंदिरों में पहली सोमवारी पर भक्तों की भीड़ कम है। सावन महीने में भगवान शिव की पूजा से मनवांछित फल प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि इस महीने भगवान भोले शंकर को दूध, दही, घी, मक्खन, गंगाजल, बेलपत्र, आंख धतूरा आदि चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस माह में भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से आराधना की जाए तो उसे मनवांछित फल प्राप्त होता है। वहीं सावन महीने में बेलपत्रों, पुष्पों की मांग बढ़ गई है। पूजना अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं ने एक महीने के लिए बुकिंग करा ली है। ऐसे लोगों ने रोजाना एक माह के लिए बेलपत्र, फूल, आंख धतूरा लेने के लिए दुकान भी निर्धारित कर ली है, क्योंकि सावन है और जलाभिषेक और भोले की पूजा छूट न जाए। ब्यूरो टेस्ट जनमानस समाचार। सावन गले के थोड़ा सा भक्तों में कंफ्यूजन पहले से ही बना हुआ है। ऐसे तो हम लोग कोशिश किए हैं, इंटरव्यू भी हम किए हैं इसको क्लियर करने के लिए, लेकिन फिर भी भक्तों में कुछ कंफ्यूजन है, जिस वजह से पहला सोमवार में जितना भीड़ होना चाहिए उससे कुछ कम हमको दिख रहा है। तो किस प्रकार से कंफ्यूजन है भक्तों में? कंफ्यूजन है कि क्या, जैसे अभी बांग्ला पंचांग अनुसार सावन नहीं किया, यह भी एक कारण है भीड़ कम होने का, क्योंकि हमारे अंचल में जो है ज़्यादातर बंगाली संप्रदाय है, हाँ, और अभी बंगला में सावन गिरा नहीं है, इसलिए बंगाली जो भक्त लोग हैं कोई भी उस प्रकार एज ए सावन नहीं आया है, एज ए नॉर्मल सोमवार लोग आए हैं, इसलिए भी थोड़ा भीड़ कम दिख रहा है। और मलमास को लेकर भक्तों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि कौन सोमवार है, 8 को सोमवार है, 8 करना है कि 2 करना है कि 4 करना है, इसके लिए भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। मलमास क्या होता है? देखिए, मलमास का अर्थ है, ये एक भौगोलिक, ये एक मैथमेटिकल टर्म है। जिस प्रकार मान लीजिए प्रत्येक वर्ष में जो पृथ्वी का जो आवर्तन गति है ये 24 घंटा से कुछ मिनट कम होता है, इस प्रकार दिन रात्रि बढ़ के 4 साल अंतराल 30 दिन का लगभग समय एक्स्ट्रा हो जाता है। उस एक्स्ट्रा समय को पुनः मैचुअल करने के लिए अधिक मास कहकर, पुरुषोत्तम कहकर उस महीने को एक्स्ट्रा में डाला जाता है, ताकि कैलकुलेशन सही रहे। और कोई बात नहीं, तो धाम में जो तैयारी है किस प्रकार की है? भव्य तैयारी है बाबा का, आज
सुबह लगभग चार साढ़े तीन बजे से जलाभिषेक प्रारंभ है, अभी तक चलिए रहा, आप लोग देख रहे हैं। और शाम के समय संध्या 6:30 बजे से बाबा का अभिषेक पूजन, भव्य पुष्प श्रृंगार का आयोजन है और साथ ही महाप्रसाद का भी आयोजन। क्या नाम हुआ आपका? आचार्य संदीप शास्त्री। किस प्रकार से सोमवार की पूजा करते हैं हम लोग? प्रथम हम लोग सुबह आते हैं, जल जल चढ़ाते हैं, उसके बाद पूजा फूल कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद शाम को सुबह दिन भर उपवास रहते हैं, उसके बाद आते हैं, उसके बाद शाम को कुछ फल खाते हैं। अलग ढिया धाम में कितने सालों से पूजा करते आ रहे हैं? हम लगभग 18 साल से आ रहे हैं। 18 साल से तुम्हारा यही होगा? 15 साल से पूजा करते आ रहे हैं। बाबा के बारे में क्या क्या मतलब मान्यता है? बहुत सारी मान्यता है यहाँ पे, बहुत सारी मांगी हुई सारी विश पूरी होती है, और भी बहुत सारी कुछ है। क्या नाम है आपका? चांदनी कुमार।